यहाँ प्यार भी है और तकरार भी, मोहब्बत भी है और बगावत भी। दिल में प्यार है लेकिन जुबान पर है नाराजगी। ऐसी नजदीकियां पहले भी हो चुकी हैं लेकिन अभी तक आई नहीं है, तो आई थिंक चकोर को थोड़ा कुछ चीजें करनी पड़ेंगी उसे याद दिलाने को, कुछ रिक्रिएट करनी पड़ेंगी मोमेंट्स, पर अभी वो बिल्कुल मूड में नहीं है ये सब करने के क्योंकि वो बहुत गुस्सा है। कुछ यही है आजकल चकोर और सूरज का रिश्ता। जी हाँ, सीरियल उड़ान में सूरज और चकोर के बीच चल रही है लठमार लड़ाई। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं और चला रहे हैं लाठी। सूरज गुस्से में है और उसका इरादा है चकोर को किडनैप करने का, और चकोर है कि अपने आप को बचाने के लिए कर रही है सूरज पर डंडे से वार। I'm a krav maga thing, मैं हूँ, मुझे ये सारी चीजें आती है। मैं जेल से सीख कर आई थी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, तो आज मैं, क्योंकि ये मुझे कहीं लेके जा रहे थे और मुझे इनसे बचना था और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मुझे कहीं ले जाए, इसलिए मैं इनसे अपना सेल्फ डिफेंस कर रही हूँ। दरअसल इमली और रणविजय का प्लान होता है कि चकोर को किडनैप करके उसे मार दिया जाए, तभी सूरज उसे बुलाता है धोखे से और ले आता है जंगल की तरफ। नहीं, मुझे नहीं पता कि मुझे मारने लेकर जा रहे हैं, उन्होंने मुझे नहीं बताया, और इनफैक्ट सूरज भी ऐसा नहीं चाहता है पर उसे करना पड़ रहा है आउट ऑफ। तुम्हें पता है ऐसा? हाँ, मैंने पहले तो बोला था तुम मारना नहीं चाहते, मगर मारना नहीं चाहते पर तुम्हें करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ योर मालिक मालकिन। मेरे मालिक मालकिन ने कहा है कि इसे किडनैप करके कहीं ले जाओ और फिर इसे भेज दो कहीं ऊपर। तो ना चाहते हुए दिल में बहुत सारा दुख है लेकिन मालिक ने बोला है तो करना पड़ेगा। वह सूरज तो अपने मालिक मालकिन यानी रणविजय और इमली के आदेश का पालन कर रहा है। सूरज चकोर को जंगल में ले आया है और यहाँ पहुँच जाता है रणविजय चकोर को जान से मारने के लिए। सूरज ने चकोर को पकड़ा हुआ है और रणविजय चकोर पर तान देता है बंदूक, मतलब सूरज खुद ही चकोर को मौत के मुंह में धकेल रहा है। वेल, सूरज को अभी तक याद नहीं आया है कि चकोर उसकी पत्नी है, उसका प्यार है, और चकोर भी अपनी हर मुमकिन कोशिश कर चुकी है सूरज को अपना रिश्ता याद दिलाने की, चाहे वो प्यार जताकर हो या उसे समझा बुझा कर। लेकिन अब लगता है चकोर भी हार मानने लगी है क्योंकि सूरज को तो अपने मालिक मालकिन के हुक्म के आगे और कुछ सुनाई नहीं देता। नहीं, अब मैंने एक्सपेक्टेशंस छोड़ दिए विद द डेवलपमेंट्स ऑफ द पास्ट फ्यू एपिसोड्स सूरज की हरकत से, और शी इज लॉस्ट होप कि अब वो कभी उसको याद आएगा कि वो कैसा सूरज था। अब देखना ये होगा कि क्या रणविजय चकोर को मार देगा या चकोर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जबीर अहमद के साथ शांतनु भटनागर, जूम, मुंबई। फॉर ऑल द गरमा गरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज एंड मोर, डाउनलोड द जूम ऐप नाउ।